निक्की ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर अपने दोस्त विनोद से कॉल पे बात कर रही थी। डोंट वरी, तुम लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं आज जाऊंगी पिकनिक पार्टी में, तुम लोग निशा और मोनिका को बता देना। ये हुई ना बात, अब होगी नहीं यार अच्छे से। ऑर्डर कर लेना और खाने में दो चार अच्छी डिशेस बना लेना। अरे माँ जी, केक ऑर्डर करने की क्या जरूरत है इस बार, हमारे घर में ही तो केक बनाने वाली खुद मौजूद है। हाँ माँ जी, निक्की को बहुत अच्छा केक बनाना आता है। सोनू के जन्मदिन पर भी उसने कितना अच्छा केक बनाया था, इस बार भी निक्की ही केक बनाएगी। अरे नहीं उषा दीदी, मैं केक नहीं बना पाऊंगी, वो एक्चुअली मुझे कल जाना है कहीं। मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स ने शहर से दूर एक होटल में छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मुझे भी उसमें इनवाइट किया है। इसके लिए मैं आज शॉपिंग करने जा रही हूँ, अपने फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना है। लेकिन कल तो हमारे घर में भी पार्टी होगा ना, फिर तुम क्यों शहर से दूर किसी होटल में पार्टी करने जाओगी? तुम्हारा ये पहला न्यू ईयर होगा अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ इंजॉय करने का, फ्रेंड के साथ तो फिर भी कभी और मना लेना। नहीं दीपा बहू, निकिता बहू को मत रोको, उसे जाने दो, अपने दोस्तों के साथ ये साल की खुशियाँ मनाने दो, इसमें उसी की खुशी है। ओह थैंक यू सो मच माय लवली सासू माँ, मैं फ्रेंड्स की पार्टी से जल्दी आकर आप लोगों की पार्टी भी अच्छे से इंजॉय करूंगी। दूसरे दिन निक्की अपनी कार लेकर अपने फ्रेंड्स के पार्टी में चली जाती है। कुछ देर बाद शहर से बाहर एक बड़े से खूबसूरत होटल के सामने निक्की की कार आके रुकती है। विनोद और प्रदीप दोनों निक्की को ले जाने के लिए होटल के गेट पर खड़े होते हैं। निक्की दोनों को देखकर बोलती है, अरे विनोद प्रदीप, तुम दोनों यहाँ हो, लेकिन निशा और मोनिका कहाँ हैं? वो दोनों अभी तक नहीं आए हैं क्या? डोंट वरी निक्की, वो दोनों आते ही होंगे, तुम चलो अंदर, तब तक पार्टी एंजॉय करो। वाह निक्की, तुम तो आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मैं तो पैदा ही खूबसूरत हुई थी, वो अलग बात है कि तुमने आज पहली बार देखा है। मेरे पति तो रोज मेरी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत लकी है जो मेरी जैसी ब्यूटीफुल वाइफ उन्हें मिली है। सही कहता है तुम्हारा पति, तुम सच में बला की खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर तो किसी के भी अरमान जाग जाए। फ्लर्ट कर रहे हो तुम दोनों, कुछ शर्म तो करो यार, अब मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। विनोद और प्रदीप बातें करते करते निक्की को होटल के अंदर ले जाते हैं। तभी दीपा बहू की बहन टीना, जो उस होटल की मैनेजर थी, उसने निक्की को ऐसे दो लड़कों के साथ अपने होटल में देखा तो निक्की के ससुराल में फोन कर दिया। हेलो दीपा दीदी, आपकी देवरानी निकिता को मैंने अपने होटल में देखा है अभी अभी, दो आवारा लड़कों के साथ। हाँ टीना, निकिता बहू न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई है, शायद वो लोग तुम्हारे ही होटल में पार्टी मना रहे हैं। दीपा दीदी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जिन दो लड़कों के साथ निकिता मेरे होटल में आए हैं, उन दोनों लड़कों ने हनीमून स्वीट बुक किया है, और निकिता के अलावा उन दोनों लड़कों के साथ और कोई लड़की नहीं है। जरूर निकिता के साथ कुछ गलत होने वाला है। क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो तुम? टीना, तू निकिता का ध्यान रखना, मैं उषा दीदी के साथ अभी आ रही हूँ तेरे पास। नहीं दीदी, तुम चिंता मत करो, अगर कुछ गलत हुआ ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और बाकी यहाँ के बॉडीगार्ड देख लेंगे। आप लोग पार्टी शुरू करो, मैं यहाँ सब देख लूंगी, मैं निकिता के साथ कोई गलत बात नहीं होने दूंगी। क्या हुआ दीपा बहू, तू किससे बात कर रही है जो इतना घबरा रही है? क्या हुआ मेरी निकिता बहू के साथ? दीपा आशा देवी और उषा बहू को सब कुछ बता देती है।
तीनों को निक्की की बहुत चिंता होती है। दूसरी तरफ निक्की जब रूम के अंदर जाती है तो वहां के डेकोरेशन देखकर समझ जाती है कि यहाँ कुछ और चल रहा है। वो विनोद और प्रदीप से कहती है, ये सब क्या है विनोद? तुम दोनों मुझे इस रूम में क्यों लेकर आए हो? और इस रूम को हनीमून रूम की तरह क्यों सजाया गया है? और पार्टी कहाँ है? निशा और मोनिका कहाँ है? क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे तुम दोनों का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में? हमारा इरादा समझने में तुमने बड़ी देर कर दी निकिता। अब तो हम अपना नया साल तुम्हारे साथ हनीमून मनाकर ही एंजॉय करेंगे। कॉलेज के दिनों से ही मेरी नजर थी तुम पर, आज जाके हाथ आई है तितली। मैं समझ गई हूँ तुम दोनों के गंदे इरादे को, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं अभी अपने पति को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ, फिर देखना वो तुम दोनों का क्या हाल करते हैं। विनोद और प्रदीप पीछे से निक्की के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। विनोद अपने जेब से रुमाल निकालकर निक्की के मुंह पर रख देता है, जिससे निकिता बेहोश हो जाती है। टीना ये सब छुप कर देखती है और पुलिस को कॉल कर देती है। विनोद और प्रदीप निकिता को रूम के अंदर ले जाते हैं, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। ये रहा दोनों गुंडे जो एक शादीशुदा लड़की के इज्जत के साथ खेलकर न्यू ईयर एंजॉय करने के गंदे घटिया प्लान बना रहे थे। गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। चलो बेटा, अब न्यू ईयर की पार्टी जेल में बैठकर चक्की पीसते हुए अच्छे से एंजॉय करना। टीना निकिता को बेहोशी की हालत में ही अपने कार में बिठाकर उसके ससुराल ले जाती है। आशा देवी, उषा और दीपा तीनों निकिता को बेहोश देखकर बहुत परेशान होते हैं। टीना आशा देवी को सारी बातें बताती है कि होटल में निकिता के साथ क्या क्या हुआ। तब तक निकिता भी होश में आ जाती है, वो भी सारी बातें सुन लेती है। निकिता हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है और, मुझे माफ करना सासू माँ, मैंने आपकी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठाया, इसीलिए आज मेरे साथ ये सब हुआ। अगर आज टीना नहीं होती तो मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहती। ये नया साल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल हो जाता। डोंट वरी निकिता, तुम अभी बिल्कुल सेफ हो। मैं तो उन दो बदमाश लड़कों को देखकर ही समझ गई थी कि उनका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। निकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा करेंगे और मैं बेवकूफ की तरह अपने परिवार की खुशी को अनदेखा करके उन लोगों की खुशी में शामिल होने चली गई थी। दीपा और उषा निकिता के बहते आंसू पोंछते हैं। आशा देवी अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर टीना से कहती है, टीना बेटी, तेरा जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। तूने आज मेरे घर की इज्जत बचा ली। अगर आज तू नहीं होती तो मेरी बहू की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा मैं चलती हूँ, होटल में बहुत सारा काम पड़ा है। न्यू ईयर होने की वजह से होटल में काफी भीड़ है। टीना थोड़ी देर और रुक जाओ ना, हमारे घर में भी पार्टी है जिसमें मैं अपने हाथों से केक बनाने वाली हूँ। तुम हमारी इस पार्टी में रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ टीना बेटी, थोड़ी देर और रुक जा। हाँ टीना रुक जा, हमारी निकिता बहू बड़े स्वादिष्ट केक बनाती है। केक खाने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा तुझे। ओह ऐसी बात है क्या, तो फिर एक स्पेशल केक मेरे लिए भी अलग से बना देना निकिता। वो केक मैं अकेले बैठकर खाऊंगी, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। और हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। हाँ ये हुई ना बात, तो सब लोग मिलकर बड़ा सा अच्छा वाला हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। चलो सब मिलकर बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।
आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से नए साल के नए दिनों की शुभकामनाएं। नया साल के नए दिन सभी लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से मनाएं। आशा देवी की तीनों बहुएं मिलकर पार्टी की तैयारी करते हैं। निकिता स्वादिष्ट केक बनाती है। सभी लोग अच्छे से पार्टी मनाते हैं और खुशी खुशी न्यू ईयर एंजॉय करते हैं।